नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश करते के प्रमुख खबरों को। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ट्रकों में ड्राइवरों के लिए एसी केबिन को जल्द ही अनिवार्य बनाया जाएगा। भारतीय ड्राइवरों पर आधारित पुस्तक देश चालक के विमोचन के मौके पर गडकरी ने कहा है कि परिवहन क्षेत्र में ड्राइवरों की भूमिका अहम होती है। यह दुनिया में सबसे तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे को लेकर प्रवासी भारतीयों में गजब का उत्साह है। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए सभी तैयार है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रवासी भारतीयों के सदस्यों को राष्ट्रीय राजदूत कहा है। वहीं पीएम मोदी की अमेरिका की आगामी आधिकारिक यात्रा से पहले भारतीय समुदाय के सदस्यों ने वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने राष्ट्रगान गाया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाते हुए हिंदू धार्मिक मूर्तियों का अपमान करने के लिए बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि पिछले सप्ताह के अंत में रिलीज हुई इस फिल्म में भगवान राम और भगवान हनुमान का अपमान किया गया है और विभिन्न राज्यों में इसे लेकर नाराजगी है। हाल ही में एक खबर सामने आई जो खूब चर्चा में रही कि इस साल भी हजारों अमीर लोग भारत छोड़ने की तैयारी में है और वे दूसरे देशों में बसने वाले हैं। दरअसल यह कोई नई बात नहीं है, हर साल हजारों की संख्या में अमीर भारतीय देश छोड़कर चले जाते हैं और अमेरिका व यूरोप आदि में जाकर बस जाते हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के पूर्व सीएफओ एवं प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहनदास पई ने इसका कारण बताया। उन्होंने बताया कि अमीर भारतीयों के पलायन की वजह भारत में लगने वाला ज्यादा टैक्स है। उड़ीसा ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है। एजेंसी ने दावा किया है कि सिग्नल जूनियर इंजीनियर लापता है। अब रेलवे ने सीबीआई के इस दावे को खारिज कर दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने जांच एजेंसी के हवाले से चल रही खबरों का खंडन करते हुए कहा कि रेलवे का कोई भी स्टाफ फरार नहीं है और वे जांच में सहयोग कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया में निशाने पर आ गए। राजन के भारत के महाशक्ति बनने को लेकर एक बयान दिया जिसे लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। रघुराम राजन ने एक बयान में कहा है कि उन्हें इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि भारत सुपर पावर है। उन्होंने कहा है कि उनके लिए ये बातें ज्यादा मायने रखती हैं कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो चाहते थे उस कसौटी पर देश खरा उतर पा रहा है या नहीं, जिसमें देश का हर नागरिक का जीवन खुशहाल रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए स्थापित गौठान तेजी से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित होने लगा है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक गौठानों के विविध आयमूलक गतिविधियों के संचालन के साथ साथ नवाचार के रूप में गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन तेजी से होने लगा है। वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 46 यूनिट शुरू हो चुकी है। आधार कार्ड हर भारतवासी के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। उसके बगैर कोई भी काम होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कई बार आधार संबंधी किसी समस्या के लिए आपको जन सुविधा केंद्र भागना होता है, वहां जाकर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने टोल फ्री नंबर जारी किया है जिस पर आप आधार से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप सिर्फ 1947 पर कॉल करें, साथ ही हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्कूल, कॉलेज या ऑफिस आदि के काम को जल्द और एक्यूरेट किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि AI से जल्द बीमारी का भी पता लगा सकते हैं और उससे इलाज में भी मदद मिलेगी, ऐसा कहना गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई का है। दरअसल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया है जो गूगल के किसी पुराने इवेंट का। इस वीडियो में सुंदर पिचाई गूगल AI की खूबियां बता रहे हैं, साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कैसे AI सिस्टम मेडिकल सेक्टर में रेवोल्यूशनरी बदलाव लाएगा। ओलंपियन सीए भवानी देवी ने सोमवार को चीन के बुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप की महिला सेवर स्पर्धा के सेमीफाइनल में हार के बावजूद कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस प्रतियोगिता में भारत का पहला पदक है। सेमीफाइनल में भवानी को उज्बेकिस्तान की जिनेवा डेयूबेकोवा के खिलाफ कड़े मुकाबले में 14-15 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया। टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी गूगल ने ऐलान कर दिया है कि वह अपने एल्बम आर्काइव फीचर को बंद कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब 19 जुलाई 2023 से गूगल यूजर्स के लिए यह सेवा उपलब्ध नहीं होगी। बता दें कि एल्बम आर्काइव फीचर यूजर्स को गूगल के अलग अलग प्रोडक्ट के कंटेंट को देखने और मैनेज करने की अनुमति देता है। इस बारे में जानकारी देने के लिए गूगल अपने यूजर्स को एक ईमेल भेज रहा है जिसका टाइटल है एन अपडेट टू एल्बम आर्काइव। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के गर्भगृह में एक महिला द्वारा नोट उड़ाने के मामले ने जोर पकड़ लिया। जहां एक और मंदिर समिति की ओर से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं, वहीं जिला प्रशासन की ओर से महिला के साथ ही समिति के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
भागलपुर के अगवानी घाट के सुपर स्ट्रक्चर ध्वस्त होने के मामले में पथ निर्माण विभाग ने निर्माण कंपनी एसपी सिंगला को काली सूची में डालने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। यह निर्देश दिया गया था कि 15 दिनों के भीतर वह अपना जवाब उपलब्ध कराए। पथ निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सिंगला ने अपना जवाब दे दिया। 7-8 पन्ने में आई रिपोर्ट का अभी अध्ययन आरंभ नहीं हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज दोपहर देश भर में जारी भीषण गर्मी और लू के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान डॉक्टर वीके पॉल, स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर राजीव बहल, नीति आयोग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों ने बैठक में भाग लिया। मिसा पटेल और सकीना इन दिनों अपनी फिल्म गदर 2 के बाद अब चेक बाउंस को लेकर खबरों में बनी हुई है। चेक बाउंस मामले में एक्ट्रेस ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ कहा है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला। इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं, क्योंकि मैं कानून के काम में दखल नहीं देना चाहती हूं। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि मेरी चुप्पी का फायदा रांची के मिस्टर अजय ने उठाया है, जिन्होंने इस बात का तमाशा बना दिया और मेरी इमेज का खुद को फेमस करने के लिए इस्तेमाल किया। बता दें कि हाल ही में एक्ट्रेस ने रांची के सिविल कोर्ट में खुद को सरेंडर किया है, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित पुरोला में कथित तौर पर सांप्रदायिक विवाद का मामला भी थमा भी नहीं था कि हरिद्वार से एक और मामला सामने आया है। यहां हर की पौड़ी से गैर हिंदू युवक युवतियों को भगाने का आरोप है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था और आए दिन हत्या की घटनाओं के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में एलजी को लिखा है कि राजधानी में कानून व्यवस्था की हालात बहुत ही चिंताजनक है। दिल्ली का हर नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए सीधे एलजी विनय सक्सेना और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार माना है। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम नहीं लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कई बड़े मुद्दों पर बात की है। उन्होंने भारत अमेरिका के संबंध, रूस यूक्रेन युद्ध और भारत चीन के बीच के सीमावर्ती मुद्दों को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। पीएम मोदी के इस दौरे को भारत अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्ते की मजबूती के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। जीएसटी चोरी के स्कैम का ताजा मामला कानपुर का है, जहां पिछले हफ्ते जीएसटी और इनकम टैक्स की बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। बता दें कि कबाड़ी का काम करने की आड़ में करोड़ों की टैक्स चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। आरोपी स्क्रैप डीलर, बैटरी डीलर और अन्य व्यापारियों को फर्जी बिल सप्लाई करता था। इन फर्जी बिलों में वह जिन लोगों से सामान की खरीद दिखाता था वह और कोई नहीं बल्कि रिक्शे वाले और कबाड़ उठाने वाले गरीब लोग थे। इसके बाद फर्जी ITC क्लेम और GST में रिबेट भी लेते थे। आरोपी ने करीब 250 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजेक्शन कर डाले। सरकार को 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। बिहार कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में डॉक्टर शकील अहमद खान को देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है। दरअसल देश भर के कुल 75 विधायकों को क्षेत्रीय विकास कार्य में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया गया, जबकि सदन में सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने के लिए डॉक्टर शकील अहमद सम्मानित किए गए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का दायरा बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 5 से 6 नए सेक्टर को जोड़ सकती है, जिन्हें सस्ती दरों पर कर्ज दिया जाएगा। अभी 1,00,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इस फंड से सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 6% की ब्याज दर पर सस्ता कर्ज देती है। खास बात यह है कि अभी फंड के मात्र 30% हिस्से का ही उपयोग हो पाया है। RBI ने 2,000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया और सभी से अपने नोट्स को बैंक जाकर बदलने की अपील की। RBI ने 2,000 रुपए के नोट को बदलने के लिए लोगों को एक समय सीमा दी है। इस अनाउंसमेंट के बाद लोग बैंक जाकर 2,000 रुपए के नोट बदलवा रहे हैं। नोटों को आसानी से बदलने में लोगों की मदद करने के लिए ई कॉमर्स अमेजन ने अमेजन पे कैश लोड सिस्टम की शुरुआत की है। इसके तहत आप घर के दरवाजे पर भी महीने में 50,000 रुपए तक बदलवा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को सोनीपत, करनाल और अम्बाला में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तीनों शहर हरियाणा राज्य के अंतर्गत आते हैं। परियोजनाओं की कुल लागत 3,835 करोड़ रुपए होगी। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। शिवसेना स्थापना दिवस पर जनता को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कहते थे कि इस्लाम खतरे में है, लेकिन अब बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में है तो हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है। इसका मतलब अब सत्ता चलाने लायक नहीं है। कश्मीर और मणिपुर में हिंदू मारा जा रहा है और आप विपक्ष को खत्म कर रहे हैं।